हेलो फ्रेंड्स वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल रेडियोलॉजी टेक्निकल फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक है शोल्डर जॉइंट एक्सरे का एंटेरियर ऑब्लिक व्यू एक्सरे या वाई प्रोजेक्शन एक्सरे आज के वीडियो में हम शोल्डर जॉइंट का एंटेरियर ऑब्लिक व्यू कैसे करते हैं और इसकी पेशेंट पोजिशनिंग और इसके टेक्निकल फैक्टर क्या होते हैं इन सभी को इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और रेडियोलॉजी टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तो आइए जानते हैं सोल्डर ज्वाइंट ऑब्लिक व्यू एक्सरे के बारे में <गीगा> शोल्डर व्यू एक्सरे इसे वाई प्रोजेक्शन भी कहा जाता है। सबसे पहले सोल्डर ज्वाइंट का एंटेरियर व्यू या वाई प्रोजेक्शन क्यों किया जाता है इसके बारे में जानते हैं मतलब शोल्डर ज्वाइंट में कोई सस्पेक्टेड फ्रैक्चर होने पर मोस्टली वाई प्रोजेक्शन इसके पुला Process, acromion process और humeral head को देखने के लिए किया जाता है सेकेंड है dislocation of the proximal humerus. मतलब proximal humerus dislocation होने पर। थर्ड नंबर है नॉन ट्रोमेटिक पेन होने पर इस डायग्राम में आप देख सकते हैं यह है जो वाई जैसी सेब बन रही है इसलिए इसे वाई प्रोजेक्शन कहा जाता है अब पेशेंट पोजीशन के बारे में जानते हैं द पेसेंट स्टैंड टूवर्ड्स वर्टिकल इमेज रिसेप्टर मतलब इस व्यू के लिए सबसे पहले पेशेंट को एक वर्टिकल इमेज रिसेप्टर के साथ खड़ा किया जाता है और जो पेशेंट का फेस होता है वह इमेज रिसेप्टर की तरफ होता है द अफेक्टेड शोल्डर इज एट सेंटर ऑफ द इमेज रिसेप्टर मतलब अफेक्टेड शोल्डर इमेज रिसेप्टर के सेंटर में होना चाहिए रोटेट इन टू एन एंटेरियर ओब्लिक पोजिशन एस फॉर ए लेटरल स्केपुला मतलब पेशेंट को लेटरल स्केपुला के रूप में एंटेअर ओब्लिक पोजिशन में रोटेट किया जाता है एवरेज पेशेंट विल बी इन फोर्टी फाइव टू सिक्सटी डिग्री एंटेअर ओब्लिक पोजिशन मतलब पेशेंट को एवरेज फोर्टी फाइव डिग्री से सिक्सटी डिग्री एंटेर ओब्लिक पोजिशन में रोटेट किया जाता है इस डायग्राम में आप देख सकते हैं पेशेंट को इस प्रकार एंटेअर ओब्लिक पोजिशन में खड़ा किया जाता है द आर्म इज रोटेटेड इन टू एंटेर ओब्लिक पोजिशन मतलब जो पेशेंट की आर्म होती है उसे एंटेर ओब्लिक पोजिशन में रोटेट किया जाता है द हैंड इज प्लेस्ड ऑन द पेसेंट्स हिप विद द आर्म फ्लैक्स्ड मतलब जो पेशेंट की आर्म होती है उसे फ्लैक्स्ड मतलब आर्म को मोड़ा जाता है और जो पेशेंट का हैंड होता है उसे पेशेंट की हिप पर रखा जाता है इस डायग्राम में आप देख सकते हैं जो पेशेंट की आर्म होती है उसे एंटीरियर ओब्लिक पोजिशन में रखा जाता है और जो पेशेंट की आर्म है वह फ्लेक्स्ड मतलब आर्म को मोड़ा जाता है और पेशेंट के हैंड को हिप पर रखा जाता है द पोजिशन इज एडजस्टेड शो द स्केपुला इज एट राइट एंगल्स टू इमेज रिसेप्टर मतलब पेशेंट की पोजिशन को एडजस्ट किया जाता है ताकि स्केपुला इमेज रिसेप्टर के राइट right एंगल पर हो सके अब सेंटरिंग पॉइंट की बात करते हैं द बीम विल बी सेंट्रेड टू मीडियल बॉर्डर ऑफ द स्केपुला मतलब एंटीरियर ओब्लिक व्यू एक्सरे के लिए एक्सरे बीम का सेंटरिंग पॉइंट स्केपुला के मीडियल बॉर्डर पर दिया जाता है इस डायग्राम में आप देख सकते हैं इस पॉइंट पर एक्सरे बीम का सेंटरिंग पॉइंट होना चाहिए नेक्स्ट है कॉलिमेशन टू शोल्डर जॉइंट साइज मतलब यह शोल्डर जॉइंट की साइज का होना चाहिए इसमें शोल्डर जॉइंट ह्यूमरस का प्रोक्सीमल पार्ट क्लेविकल और स्केपला इंक्लूड होना चाहिए नेक्स्ट है इमेज रिसेप्टर साइज मतलब कैसेट की साइज क्या होनी चाहिए इस व्यू के लिए कैसेट की साइज ट्वेल्व इंटू फिफ्टीन इंच होनी चाहिए नेक्स्ट है ओरिएंटेशन ऑफ आईआर आईआर मतलब इमेज रिसेप्टर यह पोर्ट्रेट होना चाहिए और इसमें सिंगल प्रोजेक्शन लिया जाता है नेक्स्ट है गोनाडल सेल्डिंग प्लस लेड शील्ड्स और पेशेंट टू सेल्स गोनार्ड्स मतलब पेशेंट के गोनार्ड्स को स्केट रेडिएशन के प्रोटेक्शन के लिए पेशेंट के ऊपर लेड शेल्ड लगाना चाहिए नेक्स्ट है मार्कर कैसेट पर राइट या लेफ्ट मार्कर लगाना चाहिए नेक्स्ट है एक्सपोजर फैक्टर एंट्री ओब्लिक व्यू प्रोजेक्शन के लिए 55 से 60 के और 10 से 12 एम का यूज किया जाता है और यह एक्सपोजर फैक्टर बॉडी पार्ट की थिकनेस पर भी डिपेंड करते हैं Next है FFD, मतलब film to focal distance, यह है 100 सेंटीमीटर होनी चाहिए. Next है grid, इस इस के लिए grid की requirement नहीं होती है. इस डायग्राम में आप देख सकते हैं यह हमें शोल्डर जॉइंट का एंटीरियर ओब्लिक व्यू प्रोजेक्शन प्राप्त होता है नॉट पेशेंट शुड रिमूव एनी ज्वेलरी एंड क्लोथिंग ओवर द शोल्डर टू अवॉइड आर्टिफैक्ट मतलब आर्टिफैक्ट से बचने के लिए ज्वेलरी और कपड़ों को शोल्डर ज्वाइंट के ऊपर से रिमूव कर देना चाहिए तो फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है फ्रेंड्स अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और रेडियोलॉजी टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसके बेल आइकन पर क्लिक करें जिससे आने वाली मेरी नेक्स्ट सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा